कोरोना काल खंड में डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी ना, महीने में दो बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था क्या? सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में सपा के गुड़ के साथ राशन खा जाते थे, बसपा की सरकार में बहन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा, और कांग्रेस को भूल नहीं क्या? जब देश में संकट आता है भाई बहन भारत छोड़कर के चले जाते हैं। भाई आई थी क्या 2017 के पहले इस पूरे बुंदेलखंड पे उन्होंने चालाका बना दिया था, यहाँ की खानों में किस तरीके से माफिया आर्मी हो गए थे, कैसे इन लोगों ने पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर दिया था, विकास तो नहीं कराया। आज तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, अगले कुछ महीनों में पूरा होगा, जब सरकार 10 मार्च को बनेगी होली के बाद भव्य तरीके से धूम धड़ाके के साथ आपकी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होगा। भाइयों बहनों, जब मैं महोबा की बात करता हूं तो सचमुच मुझे बार बार ये पंक्तियां याद आती हैं कि बड़े लड़ैया महोबे वाले हैं, इनकी मार सही न जाए। अब वक्त आ गया है इसको दिखाने का। भाइयों बहनों, जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है कि आप अपनी वोट की चोट से उनको कितना तरसाइए कि दशकों तक वे और उनकी आने वाली खानदान उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर चली जाए। हर घर नल की योजना साकार हो रही है आपके यहां, हर गांव में हो रही है, हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाएंगे, केवल पाइप पेयजल नहीं है ये, आरओ का पानी एक एक घर में पहुंचाएंगे, और महोबा का नौजवान स्वस्थ और पुष्ट होकर के देश की सुरक्षा के लिए फिर से अपने ओज और वीरत्व के साथ आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा इनका इत्र वाला मित्र लेके चला जाता था, और उस इत्र वाले मित्र के लिए हम लोगों ने बुलडोजर भी निकाला है, एक नया बुलडोजर। अब वो सड़क ही नहीं बनाता बल्कि माफियाओं की छाती में भी बहुत अच्छे से तरीके से चलता है। मेरी आप सबसे अपील है, मेरी आप सबसे अपील है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने, कि 20 फरवरी को जब चुनाव होंगे, पहला काम मतदान का फिर जनपान का, पहला काम और फिर सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग हमारे दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर के भेजेंगे, श्री राकेश